150 साल पहले मैरी कैलेस्टी नाम के इस शिप के साथ ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग इसे भूतिया शिप मानने लगे और आखिर इसमें मौजूद 10 लोग रातों रात समुद्र के बीच में से कहां गायब हो गए। यहां तक कि कैप्टन और उनकी फैमिली का खाने पीने रहने ओढ़ने का सारा सामान भी सही सलामत अनटच हालत में था। दोस्तों इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफी मशहूर थी। एक दिन वह 7500 किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाली थी मगर वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई और रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। फिर एक दिन डाई ग्रेटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को एजोज आइलैंड के करीब पहुंची थी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी कैलेस्टी नाम की शिप थी जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा एक महीना गुजर चुका था। साथ ही उसमें किसी किस्म की भी कोई हरकत नहीं थी। डाई ग्रेटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को वहां भेजा जहां वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं है। एक महीने पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहां गायब हो गए, यही सवाल अब कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो उनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है लेकिन जब उन्होंने मैरी कैलेस्टी का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और उनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अनटच्ड हालत में मौजूद थे। ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स से लेकर वॉजनों तक जा रहे थे वो भी बिल्कुल सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक कि शिप पर क्रू के लिए खाने का जो स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद पड़ा था। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। उस लॉग बुक में कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी यानी जिस दिन यह शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों से यह शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी लेकिन थोड़ा जांच पड़ताल करने पर मालूम पड़ा कि शिप में से लाइफ बोट गायब है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भागे हैं। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फीट पानी भी खड़ा था लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। और नियम के मुताबिक कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लो का फायदा उठाते हुए डाई ग्रेटिया के कैप्टन मैरी कैलेस्टी को लेकर जिब्राल्टर लेकर गए जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की जांच कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशंस की लेकिन उसे भी कोई सुराग ना मिल सका। लेकिन एक बात तो सच है कि मैरी कैलेस्टी जब से बनी थी तब से उसके साथ कई सारे हादसे होते आए हैं। एक बार ये दूसरी शिप से टकराई लेकिन मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई। फिर मैरी कैलेस्टी को जब रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लगी और एक बार तो सफर पे रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हुई और वो चल बसा। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मैरी कैलेस्टी पर आत्माओं का राज है जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है और तब से लेकर मैरी कैलेस्टी को गॉस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। पर असल में उस दिन हुआ क्या था इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं, जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में। कई लोगों का मानना है कि डाई ग्रेटिया के कैप्टन ने ही मैरी कैलेस्टी के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सेल्वेज लॉकर रिवॉर्ड पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। पर सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते। इसका एक ही मकसद है कि डाई ग्रेटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले हैं। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे लेकिन जब यह शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइव पोर्ट में बैठकर यहां से भाग गए हो मगर जहां से बैरल्स मौजूद थे वहां पर ब्लास्ट का या आग लगने का कोई निशान मौजूद नहीं था।
तीसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गई हो और इसमें पानी भरना शुरू हो गया हो। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने भागने का फैसला किया और वो सारे छोटी बोट में बैठकर भाग गए हो और इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला न कर पाई और सबकी जान ले गई हो। मगर ये भी बस सिर्फ एक थ्योरी ही है और इसीलिए 150 सालों के बाद भी आज तक इस मिस्ट्री को सुलझाया नहीं जा सका।